अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूं, वो एक बहुत मुबारक दिन पैदा हुई थी और वो मुबारक दिन था 15 अगस्त 1947। उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो एक आज़ाद देश में पैदा हुई और वो हैं अपने दौर की बहुत ही मशहूर और टॉप मोस्ट हीरोइन, बेहद हसीन और खूबसूरत राखी। 1947 में पैदा हुई थी राखी, रानाघाट में, जो वेस्ट बंगाल में है, एक बंगाली हिंदू परिवार में। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और शूज़ का बिजनेस करते थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। और राखी का असली और पूरा नाम है राखी मुजुमदार। राखी बहुत छोटी सी थी तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी 1963 में। राखी के पति का नाम था अजय बिस्वास और वो बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर थे। तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। शुरू शुरू में तो राखी अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो जिंदगी वो अपने माँ बाप के घर में गुजार रही थी, लेकिन ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था, फिल्मी माहौल, और उसके साथ राखी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और यही वजह थी कि शादी के 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने चुनी, जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कुदरत की सितम जरीफी देखिए कि जिस फिल्मी माहौल से घबराकर राखी ने डाइवोर्स ली थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इसी फिल्मी माहौल में वो हीरोइन बनेंगी और एक्टिंग करेंगी। और वाकई वो टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई। राखी ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था बंगाली फिल्मों से और कई बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन 1970 में मशहूर प्रोड्यूसर ताराचंद बरजाटिया ने उन्हें अपनी एक फिल्म में ले लिया, हिंदी फिल्म में लिया। और राखी की पहली हिंदी फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। राखी बेहद हसीन थी, खूबसूरत थी, अदाकारा भी बहुत अच्छी थी, इसलिए देखते ही देखते उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन। और 1982 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी रमेश सिप्पी की और उस फिल्म का नाम था शक्ति। उसमें दो हीरो थे, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, और उसी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था राखी को। और राखी बहुत खुश हो गई कि अमिताभ के साथ मैं बहैसियत हीरोइन फिर से काम करूँगी। लेकिन उन्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब पता चला कि वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की माँ का रोल करेंगी। उन्हें एक ज़बरदस्त झटका लगा कि माँ का रोल, जिसके साथ मैं हीरोइन बन के कई फिल्मों में आ चुकी थी। तकलीफ तो हुई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। और इसकी वजह ये थी कि दिलीप कुमार उनके हीरो थे। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अपने पहले पति अजय बिस्वास से डाइवोर्स लेने के बाद राखी ने फैसला कर लिया था कि वो अब फिल्मों में काम करेंगी। दिन तो शूटिंग में गुजर जाता था, लेकिन रात की तन्हाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसी दौरान गुलजार साहब से उनकी मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुईं, और आहिस्ता आहिस्ता राखी को इस बात का एहसास हुआ कि गुलजार साहब उनके लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकते हैं, और दोनों ने शादी कर ली 1973 में।
शादी के एक साल बाद राखी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रखा मेघना। लेकिन अफसोस कि मेघना सिर्फ एक साल की थी तो राखी और गुलजार दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने की वजह क्या थी? कुछ लोग कहते थे कि राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी और गुलजार साहब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राखी एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनकर घर संभालें। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। गुलजार साहब कहते हैं कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी मंजर-ए-आम पर नहीं लाए। इसके बारे में जिसको जो सोचना है सोचे और जिसको जो बोलना है बोले, हमें किसी की परवाह नहीं। मेघना अब बड़ी हो गई हैं, शादी हो गई है और एक बच्चे की माँ भी बन गई हैं और वो अपने पति और बच्चे के साथ अलग रहती हैं। गुलजार साहब अलग रहते हैं और राखी वो भी अलग रहती हैं पनवेल के अपने फार्म हाउस पे। तकदीर से लड़ न सका।